नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अत्रमुनि। तो जैसा कि मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है शुभ कर्तरी योग। शुभ कर्तरी मतलब जो आपका जो वातावरण है वो किससे शुभ ग्रह। शुभ ग्रह मतलब ये जो बना हुआ है आपका बुध गुरु और शुक्र, ये शुभ ग्रह में माने जाते हैं और ये अपना पूरा फल देते हैं, या कोई भी अपना पूरा फल देता है जब वो उसका जो एटमोस्फेयर होता है वो जब इतना शुद्ध और अच्छा वातावरण होता तभी वो अच्छा दे सकता है। और डिग्री वाइज में भी अगर वो अच्छा है तो अपने पूरी तरह जो उसको फल देना चाहिए वो फल वो देगा। तो ये योग के बारे में मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कैसे ये बनता है। तो मान लीजिए ये गुरु बुद्ध जो बना हुआ है, ये आपका दशम भाव में बना हुआ है, और इसके आसपास, इसके आगे और इसके पीछे दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। शुभ ग्रह की संज्ञा शुक्र को भी मिली है, बुध को भी मिली है, चंद्र को भी मिली है, गुरु को भी मिली है, ये सब शुभ ग्रह में गिने जाते हैं। तो मान लीजिए ये बुध है, ठीक है, डिग्री वाइज में भी है, अच्छा है, और शुक्र इसके पीछे और गुरु इसके आगे, ठीक है, मतलब इसका जो एटमोस्फेयर हो गया है, यहाँ पे जो एटमोस्फेयर हो गया है तो ये बहुत ही शुभ में हो गया है। इसके जो आसपास का वातावरण है ये बहुत ही मतलब अच्छे में हो गया है। तो ये इसका जो फल होगा जिस भाव में पड़ेगा और जिस भाव में बैठा हुआ है वो दोनों तरफ का जो फल होगा वो बहुत ही अच्छा देगा। तो इसको बोलते हैं शुभ कर्तरी योग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जितना ज्यादा हो सके, अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में। जय गणेश, राम राम, जय माता दी।